Hi everyone, welcome back with another video of Delta Exchange and finally BTC ने एक ऑल टाइम हाई टच कर दिया है and BTC almost 75,000 को क्रॉस कर चुका है। You must be thinking कि काफी लोग मिस कर दिया है कि कहाँ पे हमें प्लान करें, क्योंकि मार्केट 68 तक डंप हुआ एंड डंप करते ही मार्केट ने ऑल ऑफ सडन एक बहुत ही अच्छी रैली दी, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 7% की। इट्स अ ग्रेट मूव, इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जीत सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब हम एंट्री कब प्लान कर सकते हैं, क्या हमने एंट्री मिस कर दी है? नहीं गाइस, वी हैव नॉट मिस द एंट्री, वी विल टेक अनदर एंट्री इन द मार्केट, आई विल लेट यू नो। नाउ लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन एंड देन आफ्टर वी विल सी कि हम किस लेवल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं बीटीसी में। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखोगे, काफी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज व्हाट वी कॉल अ वेरी बुलिश स्ट्रक्चर। जब भी आप मार्केट में राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम देखते हो, दैट मींस मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश हो रहा है। यहाँ पे इट जस्ट अ एक्यूमुलेशन जोन, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा मार्केट में एक बहुत ही अच्छी रैली हम देखेंगे टुवर्ड्स अपसाइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट किस लेवल का, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। दिस वॉज आवर लेवल, दिस वॉज आवर इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने एक्जैक्टली यहीं से अगेन रिजेक्शन फेस किया। फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज वी हैव फिफ्थ। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सबसे पहले लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया। अब ट्रैप कैसे किया, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर मार्केट निकला विद अ बुलिश कैंडल। दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे बायर्स एंटर हुए हैं मार्केट में एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे एक ट्रैप गेम खेल रहे थे। ऑल ऑफ सडन जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऑल ऑफ सडन एक बहुत ही अच्छा डंप आया। दैट शोज दैट्स अ साइन ऑफ क्लीन ट्रैप। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने क्या कि बहुत अच्छा बाउंस लिया टुवर्ड्स अपसाइड। किस पर्टिकुलर जोन से, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर अस। अगर आप लास्ट लाइव वीडियो देखोगे मेरा, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट 70 लेवल के नीचे जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 66 के लेवल के नियर अबाउट आ सकता है एंड एक्जैक्टली मार्केट 66,500 से टोटली रिवर्स हो गया, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल खड़ा था। अब एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे टैप करके एक बहुत अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स अपसाइड। अब इफ इन केस, अब जो हमारी एंट्री रहेगी दैट विल बी इफ इन केस कैंडल ऐसी क्लोज हुई आज के दिन, अगर कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई विच इज 72,388, अगर इसके ऊपर क्लोज होती है आप एक लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते हो बेझिझक, और दूसरी एंट्री आप प्लान करोगे आफ्टर द रीटेस्ट ऑफ दिस 72,388। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम एसएल कहां लगाएं? आपको सिंपली एसएल लगाना है यहाँ पे बिलो दिस पावरफुल कैंडल। आप इसके नीचे का एसएल लगाओ एंड यू कैन इजिली प्लान 1:2 टारगेट फ्रॉम योर एंट्री पॉइंट, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है ये काफी सॉलिड ब्रेकआउट आया है। एंड गाइस, अगर ब्रेकआउट ऐसे ही सस्टेन करता है अबव 72,388, आप सिर्फ एक लॉन्ग की एंट्री प्लान करना, दैट्स इट। कीपिंग योर एसएल, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एसएल व्हिच इज 69,113 पे आप एसएल लगाएंगे। अगर कैंडल यहाँ क्लोज होती है आप यहाँ पे 50% एंट्री प्लान करेंगे एंड 50% आप एंट्री प्लान करोगे जब मार्केट 72,388 पे आएगा and you can easily target 80,000 which is near to 1:2 from your entry point. So this is BTC guys and BTC is very much bullish and this pattern is very much bullish which is rounding bottom. So do not miss this trade. So this is my point of view, not a recommendation for you guys. काफी लोग BTC ट्रेड करना पसंद नहीं करते, Ethereum को ट्रेड करना पसंद करते हैं। So let's discuss about Ethereum and Ethereum के important levels क्या हैं। अब अगर हम इथेरियम के चार्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्लियरली नोटिस किया दिस वाज एन इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रिजेक्शन सेंटर फॉर अस। मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद रिजेक्शन। अब हम एक रेंज में ट्रैवल कर रहे हैं। रेंज, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स हैं एंड जब भी इनका ब्रेकआउट होता है मार्केट में एक बहुत ही अच्छी रैली हम देखते हैं। आज इथेरियम ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 7% अप है। इट वेंट टू ऑलमोस्ट $2,300, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट $2,600। अब आपको एंट्री कब प्लान करनी है, सिंपल है, क्योंकि बीटीसी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा रिट्रेस करेगा। सो आपको एंट्री प्लान करनी है एट दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज दिस जोन। सो लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यू गाइज विच इज 2,500 लेवल विच इज अ साइकोलॉजिकल नंबर आपको इधर एक एंट्री प्लान करनी है, आपको अपना एसएल लगाना है बिलो दिस स्विंग राइट विच इज 23,555। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट विल बी नियर अबाउट दिस रेंज का जो हाई है वहां पे आपका टारगेट रहेगा विच इज 2821 एंड इसके ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है गाइज जस्ट ब्लाइंडली गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से एक एक्यूमुलेशन जोन माना जाएगा अगर मार्केट में अपसाइड ब्रेकआउट आएगा और हम बहुत ही अच्छे लेवल्स एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में इन इथेरियम। आप ये वाली ट्रेंड लाइन जरूर प्लॉट कर लीजिए क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन एट दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये किसी एक लेवल पे आ रहे हैं। अब जब भी इनका ब्रेकआउट होगा हम एक बहुत ही अच्छी रैली एक्सपेक्ट करेंगे इथेरियम में। अभी हाल फिलहाल में यू गाइज हैव टू एंटर एट 2500 लेवल एंड यू हैव टू कीप योर एसएल 2355 एंड सेम गोज विद बीटीसी जो मैंने आपको लेवल्स डिस्कस किए थे। मेक श्योर स्टिक टू दोज लेवल्स एंड टेक ट्रेड्स गाइज। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।